नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को सममितीय आकृति के बारे में जानकारी दूंगा। सममितीय आकृति वह आकृति होता है जिसमें किसी आकृति को बीच से मोड़ने पर या किसी भी एंगल से मोड़ने पर वह आकृति पूरी तरह ढक ले, मतलब बीच से आप अगर उसको मोड़ते हो तो वह आकृति पूरी तरह ढक लेता है, तो उसे उस आकृति को हम सममितीय आकृति कहते हैं। बच्चों को सममितीय आकृति के बारे में चित्र दिखाकर या वीडियो दिखाकर बता सकते हैं। साथ ही मेरा अपना मानना है कि बच्चे अगर अपनी खुद प्रयोग करते हैं या खुद करके देखते हैं तो उसके मेमोरी में ज़्यादा समय तक स्टोर रहता है। इसलिए आप इस अध्याय को पढ़ाते वक्त TLM का उपयोग करें। इसके लिए कोई भी पारदर्शी पेपर या बटर पेपर का उपयोग कर सकते हैं जो बहुत ही कम राशि में उपलब्ध होता है। जैसे ये सममिति पाठ है, उसमें जो आकृति दिया हुआ है, जैसे ये वाला आकृति है, आप इसको पारदर्शी पेपर में ट्रेस करके बना सकते हैं और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों देके, ताकि सारे बच्चे खुद ही पारदर्शी पेपर में उसको उतारें, उसके बाद वो खुद मोड़ के देखें। जैसे ये आकृति बना है उसको ऐसे मोड़ के देखें और जिधर से रोशनी आ रहा हो, विंडो से या खिड़की से या दरवाज़ा से, उधर रख के देखें कि ये आकृति एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह ढका है कि नहीं। जब बच्चा देखेगा कि यह आकृति पूरा एक दूसरे को ढकता है, तब उसको पूरा उनके दिमाग में स्टोर हो जाएगा कि हाँ, ऐसा आकृति जिसको किसी भी एंगल से मोड़ने पर यदि वो आकृति ढक लेता है पूरी तरह, तो वो सममिति आकृति होते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे आकृति पुस्तक में हैं, पुस्तक के बाहर अन्य पुस्तक में हैं, उन सबको आप ऐसे रख सकते हैं और मोड़ के बच्चों को दिखा सकते हैं कि आकृति एक दूसरे को पूरी तरह ढक सकता है और इसको किसी भी एंगल में ऐसे मोड़ सकते हैं। और बच्चे को साथ में ये भी बताएं कि जब आप जितने भी एंगल से आप मोड़ोगे और मोड़ने से वो आकृति एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेता है, तो जिस एंगल से आप मोड़ोगे वो वाला इसका सममिति अक्ष कहलाता है। तो बच्चे खुद मोड़ मोड़ के देखेंगे, जितने बार जिस जिस एंगल में मोड़ सकते हैं उतने बार या उस एंगल में जितने बार मोड़ता है वो उसका सममिति अक्ष कहलाएगा, या बच्चे को जानकारी हो जाएगा। जैसे ये आकृति है, इस आकृति में इस कितने सममिति अक्ष है, क्या ये सममिति आकृति है या नहीं, बच्चा खुद करके मोड़ के देखेंगे। पुस्तक में जितने भी आकृति है, जैसे ये वाला आकृति है, बच्चा खुद इसको बनाएगा, पुस्तक का कॉपी आइट करेगा, उसके बाद ऐसा मोड़ेगा और जिधर से रोशनी आ रहा है रूम में उधर ऐसे रख के देखेगा और थोड़ा सा सरका के देखेगा क्या आकृति पूरी तरह एक दूसरे को ढक रहा है। जैसे उसका हाफ आकृति अगर पूरा पूरा ढक लेता है तो ये सममिति आकृति है। और ऐसे मोड़ के देखेगा दूसरे एंगल से, यदि पूरा पूरा ढक लेता है तो ठीक है, अगर नहीं ढकता है तो वो खुद निष्कर्ष निकालेगा कि ये सिर्फ एक बार ढक रहा है, मतलब इसका सममिति अक्ष सिर्फ एक ही है, जिसमें जितने बार ढकेगा वो उतने बार उसका सममिति अक्ष कहलाएगा। जैसे ये शर्ट का है, पुस्तक को उतारा हुआ, इसको भी बच्चा ऐसे मोड़ के देख सकता है, ये आकृति पूरा पूरा ढक लिया तो ये सममिति आकृति है, अगर नहीं ढकता है तो सममिति आकृति नहीं है। ऐसा बहुत सारे हैं, ये बहुत कम ही पैसे में उपलब्ध हो जाते हैं ट्रेस पेपर, और इनका उपयोग करके बच्चे स्वयं करके बहुत अच्छे से सममिति आकृति का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। पुस्तक में बहुत सारे आकृति दिया हुआ है, इनको दिखाना हो सकता है, ये पुस्तक का बच्चे के द्वारा ही ओवरराइट किया हुआ है, उसी को मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को।